हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सेफ होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार, तो जिसको भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोग व्रत लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उन पर दूध चढ़ाते हैं। तो इसी के उपलक्ष पर खदरी ग्राम सभा श्यामपुर के युवाओं ने खीर वितरण का आयोजन किया है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है शिव मंदिर। चलिए देखते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ मंदिर, दुर्गा मंदिर के नीचे, जहाँ पे लड़के लगे हैं तैयारी में। ये इनका चावल भीग रहा है, पतीला है, और ये आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं। ये हमारे शेफ साहब अखिल भंडारी यही खीर बनाएंगे। और ये बहुत दूर से इन्हें बुलाए गए हैं, संजू रावत राधे, अरे कुलदीप रावत, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया और सबने मिलकर इस आइडिया को अंजाम दिया। और ये भेंडी स्मार्ट बॉय फुल एंजॉय। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि ये तैयारी कहां तक पहुंची है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत खास काम, जिसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, वो हमने एक बंदे को दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके पास लेके चलता हूँ। ये है वो इंसान, वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। माफ करना, मैं थोड़े से काम के लिए थोड़ा बाहर गया था। उतनी देर में यहाँ पे पतीले पर दूध चढ़ा दिया गया है और अभी दूध उबाला जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ओके, ये दूध रख दिया और इस पर क्या डाले अभी? अभी हम सर इस पर चावल डालेगा और हमने इसमें अभी इलायची डाला है, तेज पत्ता डाला है, अभी हम इसमें चावल डालिए, करीबन आधा घंटा कम से कम पकाएंगे। तो इलायची और तेज पत्ता भी इसमें डाला है और इसको आधा घंटे तक अभी हम पकने देंगे। हमारे साथ मौजूद है बड़े भंडारी भाई भी, जो देख रेख कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं, इनकी नज़र सीधा खीर पर। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स जाने वाला है। हाँ, और बारी आई है अब इस दूध में चावल डालने की। दिखने में बहुत, और इसी के साथ मेरी चप्पल भी टूट गई। अबे यार, ये चावल पड़े, क्या बात है। भाई साहब दूध तो बद है, पीने वाली घीरे। हाँ हाँ, और खास दूर से आए एक और ब्लॉगर हेमंत कुलियाल। तो भंडारी जी, कितनी देर तक इसको ऐसे ही मिलाना पड़ेगा? लगभग लगभग इसको करीबन अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आधा घंटा इसको करीबन अभी और पकाना पड़ेगा चावल, क्योंकि हमने पहले भिगा दिया था आधा घंटा पहले करीबन, हमने चावल भिगा दिए तो इसको ज़्यादा समय ही लगेगा जी। तो आधा घंटा लगभग इसको अभी इसमें पकाना पड़ेगा, थोड़ा और इसमें पानी पड़ेगा अभी। तो मेरी पहले से एक चप्पल, वो तनकट टूटा हुआ था, अब आज दूसरे का भी टूट गया, तो दोनों एक जैसी हो गई, नॉट बैड। तो भोलेनाथ ने कृपा दिखाई और दोनों को एक ही लुक दे दिया यहाँ पर। जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे खुशबू भी बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ राधे भाजी फुल इंजॉय करते हुए, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। चेंज हुए यहाँ पर शेफ साहब हमारे, द ओनर ऑफ सेलिब्रेशन कैफे, करोड़ों की प्रॉपर्टी इनकी, इनको खुद नहीं पता कि कितने गाड़ियां और कितने करोड़ों रुपए इनके लगे हैं अभी। जब छोटे शेफ अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे मास्टर शेफ, जो चेरी की तरह केक के ऊपर, जैसे चेरी उसको और सुंदर बनाता है केक को, वैसे ही भाई अभी बनाने वाले इसको। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, चलिए इसके बारे में जानते हैं, किस मात्रा में कब पड़ने वाला है और कितना वक्त इसमें लगने वाला है। तो अखिल भाई, दर्शकों को बताइए कि ये ड्राई फ्रूट्स हम कब डालने वाले हैं और क्या ये सारे एक साथ जाएंगे? हाँ, जब ये पक जाएगा, खीर बन जाएगी, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे। यहाँ पर ये बादाम,
क्या बात है, तो फुल मिला के मजा इंटू 100 होने वाला है, तो फुल एंजॉय यहाँ पे होने वाला है। हाँ जी, चलिए दिखाते हैं। और अब इसमें उबाल आता हुआ, और जैसे जैसे उबाल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी खुशबू भी और महक भी बढ़ती जा रही है। हाँ, दूसरा इंटरव्यू संजय रहा नहीं जा रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे आशीष राणा कोटी भाई, जो युवाओं का भला चाहने वाले, उनकी मदद करने वाले, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी की है युवाओं के लिए। और करोड़ों दिल की धड़कन, पीजी कॉलेज की आन बान शान आशीष राणा कोटी भाई यार, लेकिन ये स्माइल मुझे पसंद आया यार, स्माइल कोयला यहाँ पर देख सकते हो, इधर उजाले में, उजाले में देख रहे लोगों को, दिखाने दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए तेरी स्माइल। हाँ हाँ, ये अरे देख, अरे भाई साहब क्या स्माइल है, मांगकर मजा आ गया भाई। एक बात है यार, जिस हिसाब से खुशबू आ रही है, मुझे तो लग रहा है एक बदले हम ही खा जाएंगे। और ये आशीष भाई है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर रहते, इन्होंने बोला कि इनको खुशबू यहाँ तक खींच के लेके आई है, तो मुझे लगता है ये तो हम ही खा लेंगे यार। ये अरे फिर से मेरा स्माइल, चीनी पड़ रही है इसमें अब, ये इसके बाद इसका स्वाद और निखर जाएगा। क्या भाव है, जो चीनी बच गई है वो मैं लेके जाऊंगा घर, चाय वाय बनाने के काम आएगी वो, ठीक है। मुझे लेना नीचे, मैं इधर बोल रहा हूँ, जो सामान बच जाएगा मैं लेके जाऊंगा। माफ करना मैं थोड़ी देर के लिए, इधर उधर क्या हुआ, इतनी देर में हमारे गजय भंडारी भाई आए, इन्होंने मौका देखा और इसमें इस ठेकी से दूध डाल दिया, तो वो वीडियो में बना नहीं पाए, माफी चाहेंगे आपसे। और देखिए स्माइल देखिए आप एक बार चेहरे में श्रमदान करने के बाद, हाँ क्या बात है, हाँ फुल एंजॉय। अब बारी आई है ड्रैग फ्रूट्स डालने की, ओ यार हमेशा की तरह जो बच जाएगा मैं, ओ माय गॉड, पूरा अनुमान है भंडारी जी को कितना कितना इसमें पड़ेगा, मतलब वो पूरा नहीं डाले, जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने थोड़ा बचाया है, क्योंकि उनको पूरा अनुमान है कितना कितनी मात्रा में। भाई साहब ये क्या तैर रहा है इसमें, मतलब आप क्या बात है, मेरी फोटो खिंचाने के शौकीन हेमंत कुलियाल, क्या बात है, क्या स्माइल, आ चीर फाड़ स्माइल, ए बाबा। और अब बारी आई है ड्राई फ्रूट्स के बाद सबसे लास्ट में, मेरे ख्याल से खुशबू के लिए, महक के लिए। अभी इसमें भंडारी जी बोल रहे हैं कि घी डाला जाएगा, तो देखा ये पूरा मेरे ख्याल से 1 किलो का घी है, और ये क्या बात है, सूर्यवंशी पार्ट 2 खुशबू के लिए, मन भाई खुशबू के लिए यार, खुशबू के लिए, ठीक है भाई। हाँ नहीं नहीं, सब कोई बात नहीं, सीखते हैं छोटे बच्चे ना, कीवड़े की महक डाल दी है, आपको स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी भंडारी जी से। अरे ले लो, तो पूछते हैं कि इसके बाद भी कुछ डाला जाएगा या नहीं, इसके बाद कुछ और चीज जो इसमें पड़ेगी अखिल भाई, कीवड़े की महक पाउडर लास्ट में, और ये फाइनल टच, फाइनल टच मतलब खोपा, ये बीच में बातें, ये कौन है ये, अरे यार क्या बात है, क्या बात है। और अब लगभग लगभग खीर हो चुकी है पूरी तैयार, सच में मुंह में पानी आ रहा है, वैसे खीर इतना खाता नहीं बिकॉज चीनी शुगर है डाइट की वजह से, लेकिन आज सच में मन कर रहा है, खाऊंगा लेके भी जाऊंगा, नहीं उससे पहले बांटेंगे, ऑफ कोर्स बांटेंगे लोगों को, पर लेके तो जरूर जाऊंगा। खीर का पहला हिस्सा भोलेनाथ जी के लिए निकाला गया है दुर्गा मंदिर, और ये अब दुर्गा माता के लिए, क्या बात है, बहुत ही अच्छी सोच इन युवाओं की, क्या बात है, सबसे पहला हिस्सा भगवान को, और भगवान के बाद ये हिस्सा दिया जाएगा मुझे,
यानी कि पंडित जी श्री हिमांशु पांडे को। ये बन गई है भाई, ये खीर बन गई है, इसको थोड़ा सा भपने के लिए रखा है। आह भाई साहब, गर्म नहीं होती तो मैं अंदर ही कूद जाता था, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद जो अभी ये बटने वाला है। और अखिल भाई की मेहनत, ये इन खीर के पीछे ये देखिए, ये चेहरा, इन्होंने ये खीर तैयार की है, जैसे कि आप देख सकते हैं खीर दिखने में ही स्वादिष्ट लग रही है। तो अखिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने गांव के लिए और भगवान के लिए और हम सब के लिए खीर बनाई है, आप सब लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, देख सकते हैं आप पूरे खुश हैं, वो पूरे चेहरे में स्माइल, लेकिन अभी शायद उनको अपनी ड्यूटी में जाना है भाई को, तो वो ड्यूटी में। मेरी बारी चेक करने की, भाई मजा आ गया, फुल एंजॉय, क्या बनाया है कसम से, बहुत मस्त बनाया। इससे काम नहीं चलेगा, और खाऊंगा मैं, पहले इसको बांटते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। मेज हो गया, मेज ढूंढने जा रहे, मेज टेबल की व्यवस्था जिसमें पतेला रखेंगे वो भी तो चाहिए। हम लेके जा रहे हैं ऊपर मंदिर के सामने, जहाँ से हम ये प्रसाद लोगों को देंगे वहीं से। भाई साहब प्रसाद मंदिर के आगे आ गया है, लड़के बांट रहे हैं, ये अभी पहली पुड़की है, लोग भी कतार में लग गए प्रसाद के लिए, निकल जाएगा ये तुरंत मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मुझे तुरंत घर आना पड़ा क्योंकि मेरी अब क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन खीर अभी भी बांटी जा रही है, होपफुली अब तक काफ़ी खीर बांट गई होगी, बहुत अच्छी खीर बनी थी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मिस्टर कुलदीप रावत जी का, जिन्होंने ये सोचा कि हम पहले सावन में ये सब कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अखिल भंडारी जी का, जिन्होंने इतना स्वादिष्ट खीर बनाया और लोगों को भी बहुत पसंद आया, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा था। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हेमंत कुलियाल, संजू रावत, गजय भंडारी, विजय घिल्डियाल, जिन्होंने आकर वहाँ पे मेहनत करी और खीर बनाने में योगदान दिया, अपना साथ दिया। और फाइनली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी के दोस्त हिमांशु पांडे का, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, ठीक है। ये मेरा पहला व्लॉग है जो बिल्कुल भी प्लान नहीं था और ये बस बना दिए ऐसे ही, तो लाइक ज़रूर करना, ओके, लाइक शेयर तो कर ही देना, कमेंट तो कर ही देना, ठीक है, फ्री है वो तो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद दोबारा से, अगर कुछ ऐसा होता है फिर से एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगा, ठीक है, चलिए खुश रहिए।